विदिशा जिले के पठारी में भारतीय किसान संघ में किसानों की मांगों को लेकर तहसीलदार सीके तांबरेकर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ ने कहा कि किसानों द्वारा चलाया जाने वाला गैर राजनीतिक राष्ट्रवादी संगठन है, जो कि विगत 41 वर्षों से किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उसका निराकरण करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें कृषि किसान के लिए लाभकारी बन सके। इसी तारतम्य में भारतीय किसान संघ मांग करता है कि वर्तमान में 2020 सोयाबीन येलो मैजिक और स्टेम फ्लाई के कारण पूरी तरह नष्ट होने की कगार पर है, जिसका तुरंत सर्वे कार्य शुरू कराकर मुआवजा और बीमा राशि किसानों के खाते में डाली जाए। दूसरा, सन 2018 में मुआवजे की 25% किसानों के खाते में राशि डाली गई है, बची हुई शेष 75% राशि जल्द ही किसान के खाते में डाली जाए और खरीफ फसल सन 2019 की बीमा राशि जल्द किसानों के खातों में डाली जाए। उक्त मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के कारण किसानों के पास आय का दूसरा कोई भी सहारा नहीं है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया है, इसमें क्या मांग रखी? उसमें हम लोगों ने विशेष तौर पर जो वर्तमान में सोयाबीन उड़द की फसल दोनों को लेकर तहसील प्रांगण में आए, उड़द की फसल येलो मोजेक के कारण पूरी नष्ट हो चुकी है। उसी तरह सोयाबीन में भी स्टेम फ्लाई का इतना भयंकर प्रकोप है कि मुश्किल है 5% फसल भी इस हल्के में पठारी तहसील के एरिए में बची हूँ। और इसके साथ साथ हम लोगों ने 2018 में जो बीमा दिया गया था उसकी 25% राशि किसानों के खातों में डाल दी गई, उसके बाद सरकार का ध्यान नहीं गया। तो ये बिंदु भी हम लोगों ने जोड़ा है कि 75% राशि जो बची हुई थी वो भी किसानों के खातों में डाली जाए और 2019 के बीमा की भी मांग कर दी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।